हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीयूष और एग्ज़ाम डोज चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक हमने जीएस के प्रैक्टिस सेट्स अपने चैनल पे लगाए थे जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आईबी का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी वो इंग्लिश की वीडियो रहेगी। आज हम इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो भी हमारा सेंटेंस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनता है। तो सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करना है, जैसे कि हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन काफ़ी मजबूत होगा। तो जब आपका ग्रामेटिकल सेक्शन यानी बेस मजबूत होगा, तभी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे जब भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो किसी स्पीच के पार्ट्स होते हैं। स्पीच को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो जो सेंटेंस होता है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अब सीधे हम इनके पार्ट्स देख लेते हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला तो होता है आपका नाउन, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा एडजेक्टिव होता है, चौथा वर्ब होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो इनका कोई वैसा रूल नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे यही आएगा, लेकिन इनको याद करने के लिए आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप नाउन को याद करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन को, फिर उसका एडजेक्टिव को, फिर उसका वर्ब को, क्योंकि इनका एक सीरियल वाइज सेंटेंस में इसी टाइप से फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पार्ट जो है वो नाउन होता है। तो नाउन के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहता है कि इट्स अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ ए थिंग और एन आइडिया और ए प्लेस और ए पर्सन। तो जैसा कि हम अगर इसको हिंदी में समझें, तो किसी प्लेस के नाम को या कोई आइडिया होता है, किसी के माइंड में कोई आइडिया होता है, ठीक है, कोई किसी के इमोशंस होते हैं उसको, या फिर कोई जो पर्सन होता है उसके नाम को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये पर्सन के नाम को, ये प्लेस हो गया या थिंग हो गया या कोई आइडिया हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं इन सबको हम नाउन कंसीडर करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, देखो, वाटर, वाटर एक थिंग का नाम है, तो वाटर एक हमारा नाउन होता है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इमोशन है, ठीक है, तो ये भी एक नाउन कंसीडर होगा, ठीक है। राम, सीता, किसी का नाम हो गया, राम, सीता, मोहन, कुछ भी नाम हो गया वो भी नाउन होगा। इंडिया, ये कंट्री का नाम हो गया, इंडिया, अमेरिका। जैसा कि गंगा और हिमालय, ये गंगा और हिमालय एक नेचुरल चीज़ें हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमेशा से फिक्स होती हैं उनको भी हम नाउन ही कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जो नाउन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है नाउन का यूज़, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ आप देखिए, नाउन का यूज़ कैसे होगा। हमेशा नाउन का यूज़ होता है वो सेंटेंस बनाने के लिए होता है, और नाउन प्रोनाउन सबसे पहले आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, नाउन प्रोनाउन सबसे पहले आया, उसके बाद वर्ब आई। तो आपने एक चीज़ के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप जानते होंगे, सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट होता है, या उसको दूसरे तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कर सकते हैं। तो जो सीधी बात है, जो सब्जेक्ट और वर्ब का कोई रिलेशन होता है, रिलेशन यानी जब रिलेशन होगा उसी से कोई सेंटेंस फॉर्म होगा। जो सेंटेंस फॉर्म होगा उसी के बाद हम उसको एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम नाउन को वर्ब के साथ अटैच करते हैं कुछ इस तरह से कि सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे, जब हम इस तरह से अटैच कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नाउन के बाद और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं मैं उनके बारे में पूरे डिटेल में समझाऊंगा, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।